सो फर्स्टली सर वेलकम टू आई डब्ल्यू एम बस। खतरों के खिलाड़ी फिर से आ रहा है ऑडियंस को एंटरटेन करने। इस पैंडेमिक के दौरान क्या बोलना चाहोगे? इस पैंडेमिक में सभी के लिए खुशी आ रही है, नो घर बैठे बैठे एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, आपके लिए कितनी बड़ी बात है? चैलेंजिंग है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये शो बहुत अच्छा हुआ इस एंड हम लोग केप टाउन गए इतने सालों बाद वापस से, एंड जहाँ से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी केप टाउन से। और मुझे खुशी है कि इस बार जो स्टंट्स हुए हैं वो बहुत अलग लेवल पर हैं, बड़े हैं, एंड जो एक पूरा एक होता है ना जब शो खत्म होता है व्हेन यू लुक बैक, तो आपको पता चल जाता है कि कितना अच्छा हुआ है कितना नहीं हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये सीज़न जैसे हमने सोचा था कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना वो गया है इस बार, एंड आई एम वेटिंग फॉर द ऑडियंस टू सी इट। सो सर 11th सीजन है, एक्साइटमेंट है, बट फिर से केप टाउन जाना आप लोग ने इतना बड़ा रिस्क लिया, बिकॉज ऑलवेज ऑडियंस वॉन्ट टू सी सम न्यू सीन एंड ऑल, तो फिर से एक ही जगह जाना आप लोग के लिए रिस्क लगा ये थोड़ा? बिकॉज रिस्की से ज़्यादा हम क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था। हमने प्रिकॉशंस लिए और बहुत मतलब 45 डेज के शेड्यूल में करीबन हमने 5 या 6 बार टेस्ट करवाए हैं वो होटल में, जब एक बार शूटिंग करके होटल में आए तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे, हमारा हॉलीडे भी होता था, तो एंड देट वॉज द राइट वे टू डू इट 45 डेज के लिए। सैनिटाइजर्स इतने यूज़ किए हमने इन 45 दिन में कि मैं आपको बता नहीं सकता, एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हमने, एंड आई थिंक इस वजह से हम ये शो कंप्लीट कर पाए ऑन टाइम एक दूसरे देश में। एंड जो जिस हिसाब से स्टंट्स हुए हैं इस बार वो एक अलग ही सबके अंदर भूख थी, क्योंकि काम कई दिनों से कई लोगों ने किया नहीं था, एंड वी वॉन्टेड टू प्रूव, चाहे वो केप टाउन की टीम ही क्यों ना हो या वो हम लोग यहाँ से जो गई टीम वो ही क्यों ना हो। सो आई जस्ट विश के लोगों को पसंद आए। पर सर हम ये भी देखते हैं ना कि जितना टास्क टफ होता है उतना ही ऑडियंस पसंद करती है, तो आपने पर्सनली टास्क पे कितना फोकस किया? क्या लॉकडाउन में ही आपने पहले सोच के रखा था कि इस बार ये करेंगे या कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? 6 महीना ये शो जब भी हम कर रहे थे इसका प्लानिंग जो है वो 6 महीने पहले से शुरू। जी सर, बहुत डिफिकल्ट शो है, आसान शो है नहीं मेरे लिए भी, क्योंकि फिजिकली आपको फिट रहना है, स्टंट करना है, और आपको ये भी देखना है कि बाकी जो हमारे खिलाड़ी है कंटेस्टेंट्स हैं इसको अच्छे से पुल ऑफ कर जाएँ, सेफली कर जाएँ, एंड डिफ़िकल्ट शो है, आसान नहीं है। एंड इस बार मेरा ये था कि अगर हम केप टाउन जा ही रहे और हमारा 1 साल का ब्रेक आ गया, क्योंकि हमने एक सीज़न जो मिनी सीज़न हमने लास्ट ईयर इंडिया में ही किया था, सो हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग था कि हम कितना इसे और बड़ा कर सकते हैं, और वही हमने किया इस बार। और जो प्लानिंग 6 महीना पहले शुरू करनी पड़ी जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि लेवल अब एक अलग लेवल पे जाना था। सो सर जब आप फिल्म बनाते हैं तब वहाँ का स्टंट आप क्या खतरों में लाते हैं या खतरों में से आप वहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं? दो अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें, और अभी 7 सीज़न हो गए हैं, पहली बार तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब वो दो चीज़ को आप ये नहीं सोच सकते, जो आप फिल्म में कर रहे हैं वो आप खतरों में कर सकते हैं, और जो आप खतरों में कर रहे हैं वो आप फिल्म में कर सकते हैं। सर इस बार कंटेस्टेंट भी काफ़ी अच्छे, बहुत बड़े फेस हैं हमने देखे हैं, और जैसे कि आपने बोला सबने इम्प्रेस किया है, तो एक कंटेस्टेंट कौन है जिसने आपको ऐसा लगा कि नहीं कर पाएगा पर उसने सबसे ज़्यादा बेस्ट किया है? मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, मैं उनको पर्सनली भी जानता नहीं था, केप टाउन में पहली बार मुलाकात हुई, बट ऑब्वियसली आपके पास लिस्ट एक पहले से आ जाती है कि कौन स्टंट करने वाला है, कौन कंटेस्टेंट्स है, तो दिव्यांका रियली सरप्राइज्ड मी। और हमने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा एज के भी है और सबसे लो एज के भी, अनुष्का वॉज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट टिल नाउ, क्या उसके स्टंट्स को देखकर आपको लगा कि ये नहीं कर पाएगी या ये गिव अप दे देगी? बट अनुष्का को ध्यान में रखते हुए एंड ब्रेव है, अनुष्का बहुत ब्रेव लड़की है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, 18 साल की है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेंटली भी, एंड उसने भी मुझे कई बार सरप्राइज किया, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। इस बार आप किस के ज़्यादा पीछे पड़े थे, नो टास्क कंप्लीट कर ले एटलीस्ट, या हम हमेशा देखते कभी तेजस्वी नहीं होती है या कोई होता है जो नहीं करता? नहीं, इस बार ऐसा नहीं था, इस बार जो टीम गई थी वो बहुत अच्छी टीम थी, कंटेस्टेंट हमारे बहुत अच्छे थे, सभी ने परफॉर्म किए, कर पाए कभी नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली हुआ कि अवार्ड। सो इज दैट पॉसिबिलिटी हम कभी खतरों के न्यू सीजन में कोई कॉमनर्स या ऐसे लोग को देखें जो ऑलरेडी स्टंट से जुड़े हुए हो या सम स्टंट आर्टिस्ट और समथिंग? मुझे लोग ये पूछते हैं ये कलर्स का कॉल होता है, एक्चुअली ये कॉल तो होता नहीं,
बिकॉज अल्टीमेटली चैनल का शो है. सो ये चैनल डिसाइड करता है. मेरे पास लिस्ट आ जाती है कि ये लोग करना. Thank you so much, sir, for the interview and all the best for the further project. Thank you so much. Thank you.